बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। दिस वीडियो लेक्चर इज़ डिलीवर्ड बाय सरद एजुकेशन स्कूल एंड कॉलेज फॉर क्लास वन। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक फॉर क्लास वन, चैप्टर टू, पेज नंबर 12। व्हाई डू वी प्रीफर कंप्यूटर, हम कंप्यूटर को क्यों इतनी बर्तरी देते हैं, क्यों कंप्यूटर को इतना अच्छा समझा जाता है। आइए अब चैप्टर की तरफ जाते हैं। डिफरेंट यूजेज ऑफ कंप्यूटर एट डिफरेंट प्लेसेस, कहते हैं मुख्तलिफ इस्तेमाल मुख्तलिफ जगहों पे किस चीज़ का, कंप्यूटर का। यूजेस का मतलब होता है यूजेस का मतलब होता है इस्तेमाल, डिफरेंट का मतलब होता है मुख्तलिफ, मुख्तलिफ इस्तेमाल कंप्यूटर का। वी आर लिविंग इन द कंप्यूटर एज, हम कंप्यूटर की दुनिया में रह रहे हैं। लिविंग का मतलब होता है रहना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये एक अहम है, फॉर अस टू नो अबाउट कंप्यूटर, ये हमारे लिए एक अहम है बात है कि हम लोग कंप्यूटर को समझें और उसको पहचानें। ऑल ऑफ अस यूज़ कंप्यूटर, हम सब कंप्यूटर यूज़ करते हैं। देयर आर मैनी गुड रीजन्स, इसमें बहुत अच्छी वजूहात होती हैं। किस में अच्छी वजूहात होती हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करने की कुछ अच्छी वजूहात होती हैं, रीजन्स वजूहात फॉर यूजिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के सच है। जैसे कि कंप्यूटर इज़ अ स्मार्ट मशीन, कंप्यूटर एक स्मार्ट मशीन है, मतलब इंटेलिजेंट मशीन जिसको कहा जाता है, समझदार मशीन है। कंप्यूटर इज़ फास्ट, कंप्यूटर एक तेज़ मशीन है। कंप्यूटर हेल्प अस टू वर्क विद एक्यूरेसी, कंप्यूटर बहुत सही तरीके से बिल्कुल ठीक काम करता है। कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, कंप्यूटर थकता नहीं है। कंप्यूटर कैन स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक पिक्चर्स, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, कंप्यूटर अपने पास बहुत सी चीज़ों को स्टोर करता है, जैसे कि पिक्चर्स, तस्वीरें, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी किस्म का कोई भी लेटर और कुछ भी। कंप्यूटर हेल्प्स अस टू यूज़ इंटरनेट, कहते हैं कंप्यूटर जो है, सॉरी ये पॉइंट रह गया, वी कैन राइट लेटर्स विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, हम कंप्यूटर की मदद से ख़त भी लिख सकते हैं, जैसे कि ईमेल। कंप्यूटर हेल्प अस टू यूज़ इंटरनेट, कंप्यूटर हमें इंटरनेट यूज़ करने में मदद देता है। कंप्यूटर इज़ फास्ट, कंप्यूटर तेज़ है। वी कैन डू मैनी थिंग्स स्पीडली, हम बहुत सी चीज़ें तेज़ी के साथ कंप्यूटर पर सॉल्व कर सकते हैं। पेज नंबर 13, कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड, कंप्यूटर थकता नहीं है, इस पॉइंट को इन्होंने आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। इट डज नॉट गेट टायर्ड बिकॉज, क्यों थकता नहीं है, क्योंकि वो एक मशीन है। कौन मशीन है, कंप्यूटर एक मशीन है। कंप्यूटर इज़ एक्यूरेट, कंप्यूटर बिल्कुल ठीक मशीन है। क्यों ठीक मशीन है और क्या मतलब है इस सेंटेंस का, इट डज़ नॉट मेक मिस्टेक्स, वो गलतियाँ नहीं करता। कंप्यूटर कैन स्टोर डेटा, कंप्यूटर अपने पास डेटा को स्टोर करता है। इट हैज़ अ लार्ज मेमोरी, कंप्यूटर के पास लार्ज यानी ज़्यादा अमाउंट में बड़ी मेमोरी होती है। इट कैन स्टोर अ लॉट ऑफ थिंग्स, इसमें बहुत सी चीज़ें हम स्टोर कर सकते हैं। वी कैन यूज़ इंटरनेट, हम इंटरनेट यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, कंप्यूटर के अंदर यूज़ करते हैं। कंप्यूटर हेल्प अस यूज़ इंटरनेट, कंप्यूटर हमें मदद देता है इंटरनेट यूज़ करने में। कंप्यूटर सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी, कंप्यूटर हमारा टाइम बचाता है और हमारी एनर्जी यानी ताकत हमारी बचाता है, जो हम इतनी मेहनत करते हैं वो हमारी कंप्यूटर बचा देता है। कैसे बचाता है, कंप्यूटर इज़ अ मल्टी टास्किंग मशीन, कंप्यूटर मल्टी टास्किंग मशीन है। मल्टी टास्किंग का क्या मतलब है, एक वक्त में बहुत सारे काम कर सकता है कंप्यूटर। अगर आप आगे गेम खेल रहे हो तो पीछे आपके सॉन्ग्स भी लग सकते हैं, तो ये क्या हो गया, मल्टी टास्किंग हो गया। विथ वेरी फास्ट स्पीड, बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड के साथ, सो कंप्यूटर सेव्स अवर टाइम एंड एनर्जी, तो इस तरह कंप्यूटर हमारा टाइम भी बचाता है और हमारी एनर्जी भी बचाता है। सो स्टूडेंट्स, आपका लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। तमाम वालदैन से गुजारिश है कि वो इस पढ़ाए गए सबक की वीडियो अपने बच्चों को बार बार दिखाएँ। किसी भी डिफ़िकल्टी की सूरत में अपने कंसर्न व्हाट्सएप ग्रुप में प्रॉब्लम को शेयर करें। थैंक यू।